नमस्कार एंड वेलकम टू ई स्मार्टर एवरी चैनल। दोस्तों फाइनली आप सभी के लिए इंतजार की घड़ियां यहां पर समाप्त हो चुकी हैं और यहां पर दोस्तों थर्ड ग्रेजुएशन लेवल कंबाइंड कंपटीशन पीटी एग्जाम 2022 के लिए यहां पर एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। जैसा कि दोस्तों आपको बताया था मैंने कि जो आपका जो एग्जाम है यहाँ पर पोस्टपोन नहीं होगा, जो डेट है उसी डेट पर यहाँ पर एग्जाम होगा, यानी कि 23 और 24 दिसंबर को जो डेट निर्धारित है उसी डेट पर जो आपका एग्जाम जो है यहाँ पर बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा यहाँ पर कराया जाएगा। तो फाइनली दोस्तों उसके रिगार्डिंग यहां पर एडमिट कार्ड आ चुका है और एडमिट कार्ड के अलावा आपको क्या किन किन बातों का यहां पर एग्जाम हॉल में अगर आप जा रहे एग्जाम देने तो आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको दोस्तों जूता पहन के यहां पर एंट्री नहीं मिलेगी और यहां पर दोस्तों आपको चप्पल पहन के जाते हैं तो आपको एंट्री मिलेगी, जूता आपको उतारना पड़ेगा बाहर, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें जो है यहां पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में बताया गया है। साथ में दोस्तों आपको यह भी बताऊंगा कि आप अपना एडमिट कार्ड जो है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो वेबसाइट पर बहुत यहाँ पर हैवी लोड है, उसके कारण दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट जो है कि अपना जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर डाउनलोड नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों उनको प्रयास करना है और मैं आपको ये तरीका बताऊंगा उसके माध्यम से आप जो एडमिट कार्ड है ये अपना डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में ही यहाँ पर एडमिट कार्ड से रिलेटेड यहाँ पर आपको लिंक दिख जाएगा, तो क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसके अलावा सिंपली जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डाल देना है और आपको पासवर्ड पता है तो पासवर्ड डाल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं पता है तो फॉरगेट करके रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड भूल गए हैं कोई बात नहीं, आप जो है अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, लॉग इन करेंगे। जैसे दोस्तों यहां पर लॉग इन करते हैं तो यहां पर दोस्तों आपके सबसे ऊपर यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाया जाएगा। उसके अलावा यहां पर आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड ई एडमिट कार्ड, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लेना है। यहां पर दोस्तों जैसे ही आपको एडमिट कार्ड खुलेगा तो सबसे ऊपर यहां पर क्लिक हियर टू प्रिंट एडमिट कार्ड का ऑप्शन आपको दिया गया है। इसके अलावा सबसे ऊपर आपको रोल नंबर दिखेगा, उसके बाद आपका नाम, रोल नंबर, फादर नेम, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ और यहां पर दोस्तों सेंटर कोड दिखाएगा, एग्जामिनेशन सेंटर आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट में जनरल नॉलेज है और डेट एंड टाइमिंग यहां पर बता रखा है 23 दिसंबर 2022 को इनका एग्जाम होना है। और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण यहां पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यहां पर दोस्तों व्हाइटनर हो गया, कैलकुलेटर, इसके अलावा यहां पर जो है लॉक टेबल, यहां पर ग्राफ पेपर, चार्टर या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ये आपको लेके जाना नहीं है, नहीं तो दोस्तों आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसके अलावा यहां पर दोस्तों इसके आपके खिलाफ भी यहां पर जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ये सारी चीज यहां पर बताई है। इसके अलावा दोस्तों आप जो है अपना एडमिट कार्ड सुरक्षित रखना है, साथ में वैलिड जो है आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ जो है लेके जाना है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया या वोटर आईडी कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सारी चीजें आपको लेके जाना है, ठीक है। इसके अलावा आप 3 पुस्तकें भी केंद्र में ले जा सकते हैं। कौन कौन सी पुस्तकें लेके जा सकते हैं? यहाँ पर जो है अभ्यर्थी अपने साथ सामान्य अध्ययन खंड, गणित खंड एवं सामान्य विज्ञान खंड के एक एक टेक्स्ट बुक जो है जो NCERT, BSE, EV या ICSE या अन्य बोर्ड के द्वारा यहां पर होना चाहिए तो आप लेके जा सकते हैं। अधिकतम 3 पुस्तकें परीक्षा केंद्र में ले जा सकते हैं। किसी विषय में किसी भी विषय से संबंधित जो है गाइड हो गया, पुस्तक की फोटोकॉपी हो गया या हाथ से लिखा हुआ कागज हो गया, नोट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आदि परीक्षा भवन में ले जाने के लिए यहाँ पर पूरा तरीके से यहाँ पर वर्जित है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नीचे जाएंगे तो और भी जानकारी आपको मिलेगी कि आपको टाइम से पहले यहाँ पर पहुंच जाना है, 2 घंटे पहले, और टाइम जैसे यहाँ पर स्टार्ट होगा परीक्षा का उसका 10 मिनट पहले यहाँ पर गेट बंद कर दिया जाएगा। तो आपको कोशिश करना है जो भी आपका एग्जाम सेंटर जहां पर भी पड़ा है आपको 2 घंटे पहले यहाँ पर पहुंच जाना है, ठीक है। और इस एग्जाम जो भी आपका OMR सीट मिलेगा वो सब कुछ आपको जमा करना होगा, सब कुछ जमा हो जाता है, आप सभी को पता है, अगर आप एग्जाम देते होंगे तो ये सारी चीजें आपको पता होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर परीक्षा में बायोमेट्रिक वगैरह भी होगा, आयरिस का उपकरण किया जाएगा जिसमें आपका फोटो, अंगूठे का निशान लिया जाएगा एवं आयरिस कैप्चर भी किया जाएगा। ये सारी चीजें दोस्तों ये बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया जा रहा है ताकि कोई भी चीज जो है धांधली वगैरह जो है अन्य किसी स्थान पे बच्चा जो है ना बैठ पाए, किसी दूसरे का पेपर ना दे पाए, इस हिसाब से ये आयरिस वगैरह जो किया जा रहा है, आयरिस जो है बायोमेट्रिक आयरिस, ये बहुत ही अच्छा, ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कदम है यहाँ पर जो है जो यहाँ पर BSEC द्वारा यहाँ पर उठाया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये बाकी सारी जानकारी है दोस्तों, अच्छे से आपको चेक कर लेना है, बाकी इंपॉर्टेंट मैंने सारे इंस्ट्रक्शन जो है मैंने आपको बता दिया है। तो अपना जो एडमिट कार्ड जो है आपको डाउनलोड कर लेना है, नहीं डाउनलोड हो रहा है तो आपको प्रयास करते रहना है शाम तक या दोपहर तक, या आपको दोस्तों यहाँ पर जो है कल यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है क्योंकि एग्जाम जो है 23 और
24 दिसंबर को होने हैं, ठीक है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।